अखिल भारतीय वैद्य महोत्सव का आयोजन वैष्णव विद्या परिषद राज मोहल्ला पर 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होने जा रहा है, जिसमें इंदौर के आसपास के लगभग सभी सांस्कृतिक विद्यालयों के करीब 1500 विद्यापीठ बटु कर्मकांडी पुरोहित सहित 2000 बंधु हंस महोत्सव में भागीदारी करेंगे। अखिल भारतीय वेद महोत्सव के संरक्षण संसद शंकर लालवानी अध्यक्ष विनोद अग्रवाल पुरुषोत्तम दास ने बताया कि यह आयोजन लंबे समय बाद इंदौर में होने जा रहा है, जिसमें महोत्सव की दिव्यता को देखते हुए 15 समितियों का गठन किया गया है। वहीं 3 दिवसीय आयोजन के दौरान शहर के अन्य विधवन जान भी शामिल होंगे। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारे मूल में वेद हैं और इन वेदों से ही सारी चीज़ें बनी है, हुई है, जो आज घटनाएं हो रही है, भविष्य में होने वाली है, वो कहीं ना कहीं वेदों में चरितार्थ है, उसमें लिखी हुई है। वेद के लिए संस्कृत और उसके बाद वेद तक पहुंचा जाता है। आज पूरी दुनिया इसको मान रही है, संस्कृत को दुनिया मान रही है। आज जो नई लैंग्वेज कंप्यूटर की या किसी की भी बन रही है, तो वो संस्कृत ही उसका बेस है, ऐसा भी समझ में आ रहा है। तो हम अपनी चीज़ों पर लौटें और स्पेशली जो हमारे इंदौर के आसपास जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन 1500 बच्चों को और इस एरिया के जो महात्मा संत हैं उनको और जो महानुभाव इसको समझना चाहते हैं वो इनसे जुड़ें। और काफ़ी विद्वान पूरे देश से आ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, पूरी दुनिया में वेदों पर बात करते हैं, वो लोग आएंगे और कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार होगा और उन तक ज्ञान बढ़ेगा।